सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का GIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम यहाँ उपस्थित हैं जी टेस्ट के बारे में चर्चा करने के लिए। मेरे साथ हमारे बायोलॉजी के फैकल्टी धर्मवीर सिंह, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जितेंद्र सिंह जी और GIS संस्थान के को डायरेक्टर कमल मीना जी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो आज हम आपको जी टेस्ट से संबंधित कुछ बेहतरीन चीज़ों को, जो अभी तक बहुत सारी चीज़ों को आपको पता चल चुका है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में और भी कुछ आपको पता लगेगा आज। साथ साथ इससे संबंधित और संस्था से संबंधित सारी बातों पर हम आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, सर ने आपको थोड़ा सा बताया है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले भी कई बार आपको सूचित किया गया है, लेकिन बच्चों की कुछ क्वेरीज हो सकती हैं। जी टेस्ट, जैसा कि आपको पता है, GIS टैलेंट एक्सप्लोरिंग एंड स्कॉलरशिप टेस्ट, GIS के द्वारा प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में कौन कौन विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं, क्या विद्यार्थियों का सिलेबस होगा, क्या छात्रवृत्ति होगी, बच्चे कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, बच्चों को ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में दिक्कत आती है तो कहाँ से वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसी कई सारी समस्याएं भी आ सकती हैं, कई सारे उनके प्रश्न भी हो सकते हैं। तो उन प्रश्नों के समाधान के लिए आज मैं आपको लेके चलता हूं। मैं यहां सर से थोड़ी बात करूंगा। सर, ये जी टेस्ट का आप आयोजन कर रहे हो, इस टेस्ट में बच्चों को एक समस्या आ सकती है कि सर फॉर्म कैसे अप्लाई करें, फॉर्म कहाँ से भरें, तो इस क्रम में आप थोड़ा बच्चों को बताइए। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वैसे विगत वीडियोज में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन और एक नए तरीके से मैं आपको बता दूं, आपको सिंपल अपने मोबाइल में गूगल में डालना है gis.kathumar.com। जैसे ही आप gis.kathumar.com डालोगे, वहाँ अपना जी टेस्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमने सारे ऑप्शन दे दिए हैं, उसमें सारे ऑप्शन वो आपको भरने हैं। ये ध्यान रहे के सारे ऑप्शन आपको मैंडेटरी हैं, भरना जरूरी है। अगर आप किसी भी कॉलम को खाली छोड़ते हो तो आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जिस कॉलम में मोबाइल नंबर मांगते हैं उसमें आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है, क्योंकि जितनी भी सारी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको व्हाट्सएप के जरिए ही जाएंगे। अगर आपका व्हाट्सएप पे अगर वो मोबाइल नंबर नहीं है तो आप किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं कर पाओगे। साथ ही जैसे ही आप सारे कॉलमों को भर दोगे, उसके बाद नीचे एक टिक करना होता है, आई एम ए नोटो रॉबर्ट, उस पर आप टिक करोगे। टिक करने के बाद फॉर्म जैसे ही सबमिट करोगे, आपका विद इन 1 सेकेंड आपके पास व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका ये फॉर्म भर चुका है, आपके एग्ज़ाम की डेट ये है, आपका एग्ज़ाम का टाइम ये है, और आप एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हो उसकी लिंक भी आपको साथ के साथ में उसमें आ जाएगी। तो साथियों, आपको मुझे लगता है जानकारी मिल गई होगी कि आप ऑनलाइन जा कर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सर, इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहाँ से, क्या आपका वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप बच्चों को बताएं। लेकिन कुछ समस्या ये भी हो सकती है, कुछ बच्चों के पास मोबाइल नहीं हो सकते हैं, तो क्या वो ई मित्र पर जाकर के ही भर सकते हैं? हाँ। या फिर किसी बच्चे को लगता है कि वो ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहे, तो उस क्रम में आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, ये नहीं, किसी के पास अगर मोबाइल नहीं है तो वो ई मित्र पर जाकर या किसी अपने साथी की मोबाइल से या अपने परिवार के वालों के मोबाइल से भर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई असुविधा है तो हमने ऑफलाइन फॉर्म की व्यवस्था भी रखी है, वो GIS कैंपस पर आकर के अपने ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। और फिर भी अगर इसी तरह की कोई समस्या है तो आपको एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, आपको इसके बारे में मुझे लगता है जानकारी हो गई होगी, लेकिन सर एक अगला क्वेश्चन भी इसमें बनता है छात्रों का कि इसमें जो टेस्ट लगेगा 29 जनवरी 2023 को इसका टेस्ट का समय रखा गया है, तो इसके सेंटर कितने बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ इसके सेंटर होंगे, या फिर एक ही सेंटर बनाया, तो उस क्रम में आप बच्चों को थोड़ा सा बताएं। फिलहाल तो हमने एक ही सेंटर रखा गया है, GIS कठुमर, लेकिन जिस तरह का रेस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है तो मुझे लगता है शायद अभी 2500 से 3000 रजिस्ट्रेशन अभी हो चुके हैं, और हमको उम्मीद है आने वाले टाइम में बहुत बच्चे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही हम ये आगे देखेंगे कितने फॉर्म भरते हैं, इसीलिए हमने एडमिट कार्ड का समय मांगा है। उसमें आपका एडमिट कार्ड है वो 23 तारीख, यानी कि आपको 23 जनवरी के बाद आपके डाउनलोड होंगे, 23 तारीख तक हमने फॉर्म भरने का समय रखा है, रजिस्ट्रेशन करने का समय रखा है। तो उसके बाद हम देखेंगे कितने फॉर्म आए, हो सकता है
कि हमें एक दो सेंटर और भी रखने पड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है, हमें पहले तो केवल यही सोच के थी कि लगभग 2000-3000 तक की क्षमता तो GIS कैंपस में है, हम 2000-3000 बच्चों को सेंटर यहाँ रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह का रेस्पॉन्स GTEST के लिए कठुमर क्षेत्र के लोगों का या आसपास के और क्षेत्रों के लोगों का भी मिला है, तो इसलिए हमको शायद हो सकता है और भी एक दो सेंटर रखने पड़े। लेकिन ये ध्यान रखें, आपको इसमें किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होगी। आपको जब भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, आपके एडमिट कार्ड पर आपके सेंटर का नाम प्रिंट आएगा, और जो सेंटर रखेंगे हम वो केवल कठुमर ही कस्बे में रखेंगे, ये नहीं कि बच्चों को किसी तरीके की समस्या आएगी। धन्यवाद सर, आपने ये बताया है। मैं एक दो सवाल और आपसे पूछूंगा इस क्रम में कि बच्चों को ये लगता है कि कौन सी क्लास से फॉर्म फिल करना है, कौन से क्लास के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बच्चों का एक समस्या और आ सकती है कि सर सिलेबस क्या होगा या हम सिलेबस कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम में जो कुछ आएगा उस क्रम में। देखो, इससे संबंधित मैं आपको बताऊं कि क्लास 5th यानी कक्षा 5 से लेकर कक्षा 11 तक के बच्चे, साइंस हो या आर्ट्स हो, दोनों ही स्ट्रीम के बच्चे भर सकते हैं। फिलहाल जो कक्षा 5 में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखें, जो फिलहाल जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, 10 में पढ़ रहे हैं, और 11 साइंस और आर्ट्स दोनों के बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं। और रही बात सिलेबस की, सिलेबस GIS कठुमर.com की वेबसाइट पर डाल दिया गया है, और वहाँ जाकर आप जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे खोलते हैं, उसी के पास में एक लिंक दी हुई है आपको सिलेबस फॉर GIS GTEST, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे क्लास वाइज आपको पूरा सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, साथ ही एक पूरे नियमों की जो इस टेस्ट से संबंधित सारे नियम हैं उसकी बुकलेट भी आपको, उस बुकलेट की लिंक भी आपको वहाँ दी गई है, उस के द्वारा आप इस टेस्ट से संबंधित सारे नियमों की जानकारी भी ले सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी क्यूरीज का यहाँ जवाब दिया है, बहुत ही धैर्य से, बहुत ही संतुष्टि से, मुझे लगता है बच्चों को इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। लेकिन सर एक क्यूरी और मैं आपसे लेना चाहता हूँ, क्या आप इसके कुछ मॉडल पेपर या कुछ पैटर्न भी डालोगे या फिर पैटर्न नहीं केवल सिलेबस ही सिलेबस डालोगे? नहीं, हाँ, हम आने वाले समय में इस पर काम चल रहा है कि एक पैटर्न जो पेपर होगा, क्या मॉडल पेपर होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसमें, एक मॉडल पेपर के रूप में भी हम एक डाल देंगे आने वाले 4-5 दिन में, वो भी उसकी लिंक भी वेबसाइट के ऊपर ही डल जाएगी। ये ध्यान रखें सभी लोग, आप सभी जानकारियों के लिए हम समय समय पर आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सारी जानकारी देते रहेंगे, तो हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इनसे आप जुड़े रहें जिससे आपको हर तरह की जानकारी मिल सके। तो साथियों धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताएं। साथियों GIS कठुमर इस ऑनलाइन लिंक पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, विद्यार्थी को अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी उसमें ऑप्शन दिए गए वो आपको फिल करने हैं, और इसके बाद में आई एम नॉट ए रोबोट उसको क्लिक करना है और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना आपको उसमें कि मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के साथ हम वो देना है जो उसमें व्हाट्सएप नंबर चलता हो। साथियों मैं संस्थान के द बैकबोन ऑफ द इंस्टीट्यूट और बहुत अच्छे मोटिवेटर कमल सर के पास मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं कई बार कठुमर से बाहर गया हूँ, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, सीकर, कई जगह बच्चे मुझे मिल जाते हैं, और कई बार ये पूछते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कई बार हम वीडियो डालते हैं तब भी ये पूछते हैं कि सर कमल सर हमें बहुत याद आते हैं। वास्तविक रूप में मुझे, मैं देखता हूं तो पिछले बहुत वर्षों से ये बहुत बड़े मोटिवेटर रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं इस कैंपस में आकर के, कि बच्चे बहुत वर्षों तक आपको याद भी रखते हैं और अपना जीवन केवल एक शिक्षा एक माध्यम नहीं है कि वो विद्यार्थी एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें, लेकिन अपने जीवन को सफल बना पाते हैं, किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करते हैं, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। सबसे पहले सर, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं उनका हम अपने एक परिवार की तरह ध्यान रखते हैं, एक विद्यालय भी एक परिवार है और परिवार की तरह ही बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ 3 प्रकार के बच्चे पढ़ने आते हैं सर, बहुत ब्रिलियंट बच्चा पढ़ने आता है, मीडियम क्लास के बच्चा पढ़ने आता है और डाउन बच्चा पढ़ने आता है। तीनों श्रेणियों में हम बच्चों को बांटते हैं जी। हम ये कठुमर आंचलिक क्षेत्र में, यहाँ शिक्षा का प्रसार पहले ज्यादा रहा था, शिक्षा का स्थान कम रहा था हमारे पूरे राजस्थान में। उस क्षेत्र को जो मनोज सर है हमारे डायरेक्टर है विद्यालय के, 2012 में इन्होंने GIS कैंपस की स्थापना की थी, उस दिन से हम फर्स्ट डे से यहाँ पर हम साथ साथ जुड़े हुए हैं।
हमारी एक पहली कोशिश रहती है और हमारी आखिरी कोशिश भी यही रहेगी कि हम बच्चे के दिल में जाकर, उसकी अंदर जाकर उस चीज को पहचाने और देखें कि बच्चा हमसे चाहता क्या है। आप बच्चे में, बच्चा बन के अंदर अंदर घुसोगे ना, तब आपको बच्चे के बारे में पता लगेगा। पढ़ाई का सिस्टम एक सर ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि 40-50% का बच्चा है उसको हम 90 लेवल का कोर्स दे रहे हैं तो वो बच्चा साइन नहीं कर पाएगा जी। तीन प्रकार के जो श्रेणियों हमारे बच्चे होते हैं उनको हम तीन प्रकार की श्रेणियों में बांटते हैं। जैसे हमारे कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं नवंबर के महीने में, उसके बाद में हमारी डेली टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट होती है, अलग अलग रूप में हम बच्चों को बांटते हैं, उनकी उसी हिसाब से हम तैयारियां करवाते हैं। जैसे हम शाम को लेट रात तक बच्चों को यहाँ घर जाके संपर्क करते हैं, अभिभावकों को समझाते हैं, उनमें भी हम शिक्षा की जागरूकता लाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा एक ग्रामीण माहौल का बच्चा, एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा एक बेहतर शिक्षा दे सके, जो टॉप कैंपसों में, जहाँ कोचिंगों में कोटा जयपुर जैसे कैंपसों में मिलती है, उससे अच्छी शिक्षा हम कठुआ में देना चाहते हैं। और हमारी ये हमेशा कोशिश बनी रहती है कि बच्चे को मनोवैज्ञानिक जो उसका जो तनाव प्रेशर होता है उसको रियलाइज करना होता है जी। उसको हम कैसे रियलाइज करेंगे, बच्चे में बच्चा बनना पड़ता है सर जाके, वहाँ अभिभावकों से बात करनी पड़ती है, हमेशा बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है उसको हम दूर हटाने की कोशिश करते हैं जी। सबसे बड़ी बात आपने सुनी अभी कि बच्चे के ऊपर जो बर्डन होता है, प्रेशर होता है, उसको हटाना, और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है बच्चे के अंदर जाकर के उसके दिमाग को पढ़ना, उसकी बातों को जानना, किस तरीके से क्या बच्चा चाहता है, कितना वो पिकअप कर सकता है, कितना सिलेबस उसको दिया जाए। और सर ने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई, यहाँ आपने भी नोटिस किया होगा कि सिलेबस बहुत ही टाइम से किया जाना। मुझे लगता है कि बहुत विद्यालयों में ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि एग्जाम आपके मार्च में शुरू होते हैं और फरवरी तक सिलेबस ही नहीं होता है। सिलेबस टाइम से कराना और उसके बाद जो इसकी जड़ है रिजल्ट निकालने की, वो जड़ क्या है, DTS प्रारंभ करना, डेली टेस्ट सीरीज के माध्यम से यहाँ बच्चों को तराशा जाता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सर के पास आपको लेके चलता हूँ। धर्मवीर सर साइंस पढ़ाते हैं, सर बायोलॉजी साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, थ्योरी भी है लेकिन थ्योरी पर इनमें कम काम किया जाता है। तो आप बायोलॉजी के माध्यम से बच्चों कैसे अपने सब्जेक्ट की ओर या कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हो साइंस की ओर, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए सर, जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपके शरीर से संबंधित होता है जी। शारीरिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं उनसे संबंधित अध्ययन कराया जाता है, किस प्रकार आप खा रहे हैं, किस प्रकार आप सांस ले रहे हैं, इस वातावरण में आप जीवित कैसे हैं, इन सारी चीज़ों से संबंधित जो प्रैक्टिकल या प्रायोगिक ज्ञान है जी, वो इसमें दिया जाता है। इसमें सबसे पहले बच्चे को पता होना चाहिए कि हम शरीर में शुरुआत कहाँ से करते हैं, इस पृथ्वी पर जीवन पहले कहाँ से आया। तो जैसा कि 11th से स्टार्ट हो जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन का प्रारंभ सबसे पहले कैसे हुआ, वहाँ से स्टार्ट होता है किस प्रकार सबसे पहले सेल बनती है, उसको ऑर्गेनाइज करके टिश्यूज बनते हैं। तो पूरी एक हायरार्की होती है जिसमें हम ये समझाते हैं कि किस प्रकार से पूरे शरीर का निर्माण हुआ। जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें लगातार प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है और हमारे कैंपस में सारे प्रैक्टिकल्स टाइम टू टाइम कराए जाते हैं, जिससे बच्चा जो है वो सैद्धांतिक क्षेत्र में तो आगे बढ़ता ही है, इसके साथ साथ उसे ये भी पता रहता है वातावरण में कि हमें क्या खाना है, किस चीज़ का कब यूज़ करना है। ये सारी जो दैनिक क्रियाएं हैं ये विज्ञान द्वारा ही क्या होती हैं, आपकी रेगुलेट की जाती हैं। तो बच्चे को एक प्रायोगिक ज्ञान का भी जो है आपको पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम बच्चे को यहाँ पर सिखाते हैं जी। धन्यवाद सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि बच्चों को प्रैक्टिकली समझाना। और दूसरी बात, ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ाना। सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन लूँगा, इसमें बच्चों के ये एक प्रश्न हो सकता है कि सर कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, कुछ हिंदी मीडियम से हैं, तो बच्चों को जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा, एग्ज़ाम आएगा, तो वो दोनों मीडियम्स में आएगा या फिर किसी एक मीडियम में या फिर अलग अलग, क्या इसका पैटर्न है? वैसे इसके बारे में हम आपको बता भी चुके हैं कि जो पैटर्न है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। साथ ही जो पैटर्न आएगा ना, वो एक एग्ज़ाम में मॉडल पेपर हम जैसे काम चल रहा है वो आप डाल ही देंगे, उसमें सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको उससे पहले बता देता हूँ, एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम होगा, एक क्वेश्चन पेपर होगा, उसी में आपके दोनों मीडियम रहेंगे। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन कर सकता है और हिंदी मीडियम वाला बच्चा हिंदी मीडियम के क्वेश्चन कर सकता है। और अब थोड़ी सी मैं तो आपको GTEST के बारे में एक और थोड़ा सा बता देता हूँ कि GTEST रखा क्यों गया है, इसका मकसद क्या है। GTEST का हमारा जो मकसद है सबसे बड़ा ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं,
क्योंकि प्रतिभा तो देखो बहुत बच्चों में है, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते हैं। किसी कारणवश वो घर में गांव में बैठे रहते हैं, उनको ना तो अच्छे स्कूल में मौके मिलते हैं, ना उनके पेरेंट्स किसी तरीके से आर्थिक रूप से या किसी मतलब एक नॉलेज नहीं होने की वजह से वो इन चीज़ों से दूर रह जाते हैं, और अपने ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें होती भी नहीं है। तो पिछले काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि अभी तक जयपुर, कोटा, सीकर ये कोचिंग्स हैं, ये स्कूल्स हैं, ये इस तरह के एग्जाम कराते हैं, और यहाँ की प्रतिभाओं को वो यहाँ से ले जाते हैं, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश है वो यहाँ से जाकर वहाँ बच्चे सफल भी पूरी तरीके से नहीं हो पाते, कुछ मात्र परसेंट के बच्चे ही सफल हो पाते हैं। फिर दूसरी चीज़, बच्चे चले तो जाते हैं लेकिन वो एक एग्ज़ाम फीस या किसी तरीके उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन बाकी और इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें वो नहीं कर पाते, तो वो फिर पिछड़ जाते हैं। तो क्यों ना, देखो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, बच्चा अपने घर रहकर अपने माँ बाप की नज़र में रहकर पढ़ सके, सबसे बेहतरीन चीज़ यही है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। क्यों कि देखो स्कूल इंस्टीट्यूट इनका तो ध्यान रहेगा ही रहेगा, साथ में सबसे बड़ा जो ध्यान रहेगा वो माँ बाप का। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे पर पूरा ध्यान दिया है उसका बच्चा 100% सफल हुआ है। तो यही हमारा मेन मकसद था कि इन ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको निकालने के लिए है ना, वो उनको निकालने के लिए ही जी टेस्ट का आयोजन कराया जा रहा है। और जी टेस्ट में हमने क्या क्या रखा है ये भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जी टेस्ट में 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप रखी गई है ना, तो 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप के साथ साथ 1 लाख रुपए के नगद इनाम भी हमारी तरफ से रखे गए हैं। इसमें जो 1 लाख रुपए के रिवॉर्ड होंगे वो बच्चों को दिए जाएंगे, साथ ही साथ टॉप 500 बच्चे उनको सम्मानित भी किया जाएगा, और साथ ही साथ जो बच्चे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंक पर प्रत्येक क्लास में आएंगे उनको GIS की तरफ से 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो और आगे की बात करने के लिए मैं जितेंद्र सर से निवेदन करता हूँ, वो आगे की कुछ चीज़ें हैं उनको बताएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है अब ऐसी कोई क्वेरी बच्चों की रही नहीं है, लेकिन मैं सर से भी थोड़ा बात करना चाहता हूँ। मुझे इनकी बातों में बहुत इंटरेस्ट लगा कि सबसे बड़ी बात होती है बच्चों को मोटिवेट करना, माहौल देना। सर ने अभी बताया है बाहर बच्चे जाकर के वो माहौल प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हो सकता है स्कॉलरशिप उनको मिल जाए लेकिन वो माहौल उनको नहीं मिल पाता है, ये एक समस्या रहती है। तो सर यहाँ जो स्कूल में बच्चों को आप मोटिवेट करते हो, क्या किस तरीके से आप बच्चों के दिमाग में बैठते हो, बच्चों को किस तरीके से आप मोटिवेट करते हो, एक बार और आप इस तरीके से बताएं। सर हर चीज़ का एक सिद्धांत होता है, जीवन जीने का सिद्धांत होता है, ऐसे ही GIS का एक सिद्धांत है। जहाँ सभ्यता है वहाँ संस्कृति रहेगी, जहाँ संस्कृति रहेगी वहाँ शिक्षा आएगी। GIS की संस्कृति और सभ्यता में एक अनुमान रूप से हम एक बात को लेकर चलते हैं कि हमारी यहाँ की जो संस्कृति है, हमारी जो यहाँ की संस्कृति है, हमारी सोच है, वो आध्यात्मिक होने के साथ साथ में भावनात्मक होनी चाहिए। और भावनात्मक सोच जब हमारी बच्चे के प्रति हो जाएगी ना, तो हमारे स्कूल का बच्चा, हमारे कैंपस का बच्चा, हमारे ग्रुप का बच्चा आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, चरित्र निर्माण होता है। हमारी यहाँ की जो टीम है, अध्यापकों की जो टीम है, एक तो फर्स्ट दिन से जो टीम है वही टीम है सर, उसमें क्या है, जो फर्स्ट दिन से जो टीम जुड़ी हुई है उसका भावनात्मक लगाव हो जाता है। और जो बच्चा हमारे यहाँ चाहे 1 साल पढ़ रहा है, चाहे 2 साल पढ़ रहा है, चाहे 6 साल पढ़ के जा रहा है, उसका विद्यालय के साथ में भावनात्मक संबंध हो जाता है। जैसे हम बच्चे के बार बार घर जा रहे हैं, कमजोर बच्चे को बार बार जगा रहे हैं। एक मैं आपको मेरी बात याद आ गई, एक बच्चा था हमारे यहाँ तुसारी से, वो शाम को जैसे 8 बजे सो जाता था, तो उसके हम बार बार घर गए थे, उसको हमने रात में जगाया था वहाँ जाके। तो उससे क्या है कि उनका हमारा एक भावनात्मक लगाव होता है, जो माँ बेटे का जो संबंध होता है ना, वो विद्यालय के बच्चों के साथ हमारे एक माँ बाप का जो संबंध होता है बच्चे के साथ में, वो संबंध जुड़ जाता है। और जब आप किसी चीज़ के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में आपका जब लगाव जुड़ जाएगा, किसी बच्चे के साथ में लगाव जुड़ जाएगा, आध्यात्मिक लगाव जुड़ जाएगा, सामाजिक लगाव जुड़ जाएगा, तो वो बच्चा विशेष रूप से आपकी बात को मानेगा और आपकी बात को मानने के साथ साथ में पढ़ाई के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेगा। और यही कारण रहा है सर कि 2012 से और 2022 तक कठमर में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में टॉप आते रहे, और टॉप रिजल्ट देने का यही कारण सबसे बड़ा रहा है कि उन लोगों के साथ में हमारे सामाजिक जो परिदृश्य हैं वो तो जुड़े ही हैं, पर भावनात्मक लगाव बच्चों के साथ में जुड़े हुए हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जैसे आज हमारे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, उनकी जॉब लग चुकी है, रेलवे में अच्छे अच्छे सिलेक्शन हो रहे हैं, महीने दो महीने में 10-15 दिन में बच्चे आते रहते हैं, मिठाई खिलाते रहते हैं, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ कि हमारी जो टीम है बच्चों को एक भावनात्मक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा के साथ साथ में एक चरित्र निर्माण की शिक्षा दे रही है।
आज तक सर पिछले 10 सालों में हमारे यहाँ एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहा है जिसका भावनात्मक विद्यालय के साथ में लगाव नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा ये कारण रहा है कि हमारे डायरेक्टर जो महोदय हैं, प्रिंसिपल सर हैं, विद्यालय के और सारे कर्मचारियां हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सबने कंधे से कंधे मिलाकर विद्यालय में काम किया है और मेहनत की है। और बच्चों को जैसे हम साल में एक बार वार्षिक उत्सव मनाते हैं, एनुअल फंक्शन हमारे यहाँ होता है, गेम्स होते हैं। सर कठुमर जैसे आंचलिक क्षेत्र में ग्राउंड की अभाव है स्कूलों में, हमारे यहाँ ग्राउंड अच्छे से एक साल में मरवार खेल कराते हैं, तो बच्चों का रुझान भी बढ़ता है स्कूल के प्रति, तो बढ़ता ही बढ़ता है। स्कूल के बारे में उनकी सोच पॉजिटिव होती है, और जब हम बच्चों के बारे में अच्छे से सोचेंगे, उनके चरित्र के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो मैं 100% समझता हूँ कि वो स्कूल को तवज्जो देंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया, मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन चीज़ों में। और आपने जो बताया भावनात्मक लगाव, सर यहाँ बच्चों के ड्रीम को पूरा करते हैं। और इसी से मुझे एक अब्दुल कलाम जी की एक बात याद आती है, इंग्लिश में एक सेइंग उन्होंने की थी, कहावत दी थी, ड्रीम इज नॉट दैट वी सी इन स्लीप, ड्रीम इज थिंग दैट डज नॉट अलाउ टू स्लीप। स्वप्न वो है जो हम नींद में देखते हैं, वो स्वप्न नहीं कहा गया है, स्वप्न वो है जो हमें नींद लेने ही नहीं देता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सर का भी धन्यवाद और धर्मवीर सर का भी धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को यहाँ लोगों के लिए बताया है, और किस तरीके से बच्चों को आप यहाँ मोटिवेट करते हैं, कैसा माहौल देते हैं, कैसा यहाँ शिक्षण करवाते हैं, किस किस तरीके से यहाँ चीज़ों को आप कर रहे हो, कैसा आप टेस्ट करवा रहे हो, किस किस तरीके से चीज़ों को आपने करवाया है, ये सारी चीज़ें आपने बताई हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपसे एक बार और कहना चाहता हूँ, कठुमर जैसे आंचलिक क्षेत्र में जी जो युवा सोच है, जो टेक्निकल जो सोच है जी, वो हमारे सर लेके आए, डायरेक्टर महोदय लेके आए, मैं तो इनका इसी चीज से कायल हूँ कि इस दौर में, इस 21वीं सदी में, इस लोकल क्षेत्र में इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा माहौल, इतना बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर ही आए। मैं दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से इनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, जाने कितने सैकड़ों बच्चे इन लोगों ने निःशुल्क फीसों में तक पढ़ाए हमारी एक बार कहने से ही, और कितने बच्चे हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, एयरफोर्स, नेवी कहाँ कहाँ लग चुके हैं। हर बार हमें बधाई आती हैं, मिठाइयाँ आती हैं, अच्छे से हमारी बच्चे सुनते हैं, सूचना लेते हैं। उन गरीब बच्चों का जो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, जो एक मेहनत कराई है, उस मेहनत के लिए मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सभी साथियों से, पुराने जितने भी हमारे नए अभिभावक हैं, सबसे हाथ जोड़ के ही निवेदन करता हूँ कि आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई भी गरीब बच्चा है, टैलेंट बच्चा है, उसको GIS पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, हमारे डायरेक्टर महोदय प्रतिबद्ध हैं, और हम तहे दिल से सभी का आनंद से स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। ब्लेंडिंग कल्चर विद टेक्नोलॉजी, संस्कृति के साथ तकनीकी को जोड़ना, बच्चे निश्चित रूप सफल होंगे। जाते जाते मैं आपको कुछ चीज़ें और है जी टेस्ट के बारे में, वो और बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या जिन तक भी हमारा मैसेज जा रहा है, वो अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए, हो सकता है आपके बताने से किसी बच्चे का भविष्य बन जाए, या आपकी जानकारी से किसी बच्चे का, किसी बच्ची का भविष्य बन सकता है। तो मैं ये उम्मीद भी करता हूँ आपसे कि आप ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, और इससे संबंधित सभी जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से समय समय पर आपके पास वीडियो और मैसेज आते रहेंगे। तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म GIS कठुमर के फेसबुक पेज और GIS कठुमर के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको GTEST से नहीं, GIS से संबंधित, गैलेक्सी ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संबंधित सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो फिलहाल 29 जनवरी को हमने GTEST का आयोजन रखा है, 29 जनवरी तक तो हम लगभग सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको फेसबुक पेज और यूट्यूब पे देते रहेंगे। इसके साथ साथ और भी आपको मोटिवेशन, आपके क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको नई नई चीज़ें बताने के लिए हम आते रहेंगे। इसी के साथ मैं ये सेशन जो है बातचीत का समाप्त करता हूँ, अगले सेशन फिर मिलते हैं। नमस्कार।